पूछा तो पब्लिक ही करना चाहिए वो तो। तुम्हें खुद कितना तेल छोड़ना है, फिर दीदी हाथ मत जोड़ना है, भाई मत बोलना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। स्वागत करके जो है उनका अभिवादन करेंगे। ना करें, ये हमारा दुख का समय है साथियों, और ये ज्यादा ताली बजाने का समय भी नहीं है। सारी मामले की जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता सैयद नजीर के साथ। तो सैयद जी बताएं क्या है पूरा मामला। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अजनान नदी के अंदर जो ढाबा संचालक द्वारा केमिकल छोड़ा गया था, उसकी निजी भूमि में केमिकल डाला गया था, उसके बाद वो उसका रिसाव जो है अजनान नदी में हो गया था, और ये अजनान नदी जो है कारम नदी धार से होते हुए नर्मदा में मिलती है। इसको लेकर समय समय पर वॉइस ऑफ राइट ने खबरें भी प्रकाशित की है। उसके बाद आज जयेश का एक बड़ा आंदोलन यहाँ होने जा रहा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में जयेश के कार्यकर्ता और ग्रामीण का लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बड़ा प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। अभी तक लगभग 1500 लोग इकट्ठा हो चुके हैं और लोगों का आना अभी जारी है। अभी बताया जा रहा है यहाँ पर महेंद्र कन्नू जो आदिवासियों के नेता जो है वो आने वाले हैं, उनके साथ एक बड़ी भीड़ चल रही है। अभी कम से कम उनको बता रहे हैं कि आधा घंटे में वो यहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और इनके साथ में जो नेत्री है मेघा पाटकर, वो भी नर्मदा बचाओ की जो नेत्री है मेघा पाटकर, वो भी यहाँ पहुंचने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो एक बड़ा प्रदर्शन आदिवासियों का यहाँ चल रहा है। जी जी बिल्कुल सर जी, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से हम सुन सकते हैं कि आपके पीछे से भी काफी तेजी से आवाजें आ रही हैं, तो उसको लेकर मैं जानना चाहूंगी क्या माहौल बन हुआ है फिलहाल। बिल्कुल, जो यहाँ पर वक्ता जो अपने भाषण दे रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद लोगों को वे अपना उद्बोधन दे रहा है। बड़ा उग्र तरीके का उद्बोधन इनका चल रहा है और इन्होंने शासन को साफ चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ केमिकल डाला है उन लोगों पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ढाबा संचालक जिसको अभी तक ना तो प्रशासन ने मुलजिम बनाया है ना उसके खिलाफ प्रशासन को कोई ऐसा सबूत हाथ मिल पा रहा है, तो इसको लेकर उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर कुछ 24 घंटे में इन्होंने मुलजिम नहीं बनाया तो ये जो प्रदर्शन है ये आगे और बड़ा हो सकता है। सैजी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पूर्व भी जब अजनान नदी का मामला सामने आया था, साथ ही इससे फूल पकड़ा है और लगातार ही फूल पकड़ता ही जा रहा है, तो इसको लेकर आला अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर आकर पूरा दौरा किया गया था, निरीक्षण किया गया था, तो क्या उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक एफआईआर हुई है उसके अंदर जिस भूमि में इस केमिकल को डंप किया गया था वहीं केवल उन्हीं लोगों को और एक ड्राइवर को, इसमें 3 लोगों पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन लोगों का यहाँ पर जो लोग हैं ग्रामीण है पीड़ित है उनका कहना है कि इसमें जो ढाबा संचालक है उन्होंने इस डंप कराया था और किस कंपनी से आया था वो उन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही इसके साथ में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो सैंपल लिए थे जांच की थी उसकी जो रिपोर्ट है वो भी अभी छुपाई गई है, बताई नहीं गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है। जी बिल्कुल सर जी, मैं जानना चाहूंगी प्रशासनिक अधिकारियों में या फिर आला अधिकारियों में वहाँ पर फिलहाल कौन कौन मौजूद है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा मौके पर अभी यहाँ पर DSP थाना प्रभारी तहसीलदार सहित बड़ा अमला जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का मौजूद है। उसके साथ ही थाने पर ये लोग यहाँ से, क्योंकि ये जो अभी जो क्या प्रदर्शन चल रहा है ये जगह जो है जहाँ पर डंप की गई थी केमिकल को वो जगह पर ये लोग मौजूद हैं। इसके साथ ही ये लोगों को यहाँ से मानपुर थाने पर ज्ञापन का कार्यक्रम है उनका, तो यहाँ से वो मुख्य जो हाईवे है आगरा लंबे का एक बड़ा रोड है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत को ये ज्ञापन देने वाले हैं वो। जी सर जी, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका पूरा का पूरा एक कार्यक्रम निर्धारित है कि जिस तरीके से लोग ज्ञापन सौंपेंगे, तो मैं जानना चाहूंगी कि इससे पहले प्रशासन को इस बारे में पता था। जिस हिसाब से यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है और यहाँ पुलिस की और प्रशासन की मूवमेंट देखने को मिल रही है तो प्रशासन को मालूम जरूर था, लेकिन प्रशासन को इतना नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। जिस हिसाब से अभी संख्या हम देख रहे हैं तो अभी
1015 से लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई है, बाइकें, कारें और टीलों पर लोग चलते बैठे हैं। तो अभी अगर ये कंडीशन है और जो रैली आ रही है जिसमें महिम कन्नौज जी जो इनके प्रवक्ता है, प्रदेश के प्रवक्ता है, उग्र उनका भाषण हमेशा रहे हैं, तो वे अभी आना बाकी है। और हमेशा जब भी उनका जहां भी हमने प्रदर्शन देखा है उनके प्रदर्शन में वे जब भीड़ लेकर पहुंचते हैं तो एक भीड़ अलग ही उनके साथ रहती है। तो अब वो भीड़ जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी संख्या का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हम कितनी होगी। जी बिल्कुल सर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से कोरोना काल लगातार चल रहा है तो क्या इस आंदोलन में किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी हम बात कर रहे हैं कोरोना की गाइडलाइन के पालन की, तो मंच पर जो लोग भाषण दे रहे हैं वे बराबर इनको जरूर नियमों का पालन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर मास्क दिख पा रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मामले की अधिक जानकारी के लिए आपसे यही बात करते रहेंगे। धन्यवाद।